नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है मदर मेड में। जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सबका बहुत मन करता है कि अदरक की चाय पिए, पर बहुत आलस आता है अदरक कूटने में। तो आज मैं ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ आपको, जो आपको हमेशा फ्रिज में अदरक मिलेगी, आपको जब चाय बनाए तो उसको अलग से कूटना नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। ये मैंने ली है अदरक, उसको मैंने छील लिया है। फिर आप ग्राइंडर में इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके थोड़ा पानी मिला के क्रश कर लीजिएगा, उसका पेस्ट बना लीजिएगा, जो कि मैंने बना के रखा है। फिर आप कोई भी, जैसे आपके पास आइस ट्रे हो या कोई मोल्ड हो, जैसे चॉकलेट के होते हैं, तो कोई भी ले लीजिएगा जिसके छोटे छोटे क्यूब्स हों। जैसे ये आइस ट्रे है, आप ये ले सकते हैं, सिलिकॉन के आते हैं मार्केट में और इजीली अवेलेबल हैं। जैसे ये है, ये मेरे पास चॉकलेट का मोल्ड है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल दीजिए। जैसे मैं ये आइस क्यूब के उसमें आइस ट्रे में डाल के दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा, जितना, जैसे आपको 2 कप चाय बनानी है तो उसी हिसाब से, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से आप उसमें फिल कर दीजिए आइस ट्रे में, और उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ये जम जाएगा उसमें। तो जब ये जम जाएगा तब आप ये क्यूब्स निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये क्यूब्स बना लिए हैं, इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो आप जब भी चाय बनाएं तो उसमें 1 क्यूब या 2 क्यूब डाल दीजिएगा, आपके जितना आपको चाहिए हो। चाय ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यूब डाल दीजिएगा, नहीं तो 1-2 में डाल हो जाएगा। तो जब भी चाय बनाए आपको आलस नहीं आएगा, फ़ौरन 1 क्यूब डालिए, अदरक का टेस्ट आ जाएगा उसमें बहुत अच्छा। तो आप जाड़े एंजॉय करिए आराम से, अपने फ्रेंड्स को पिलाइए, और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।